नौजवान हो। लिहाजा एक दफ़ा एक शख्स इमाम इब्न सादिक के पास आया, आने के बाद कहा, मौला मुझे गुनाह करने की आदत हो गई है। देखो तशखीस दे रहा है, तशखीस दे रहा है कि मैं गुनहगार हूँ मौला, मुझसे गुनाह सरजद होती रहती है, क्या करूँ। इमाम ने उसको एक राहकार दिया, वही राहकार वही अमल एक थ्योरी दिया, एक नसीहत की इमाम ने, वही नसीहत शायद हम और आपके लिए काम आए। इमाम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह करते हो ना, गुनाह की आदत हो गई और छूट नहीं रही है, तो मैं तुझे कुछ फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला ये है कि तुम ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पर खुदा नहीं, वहाँ पर जाके गुनाह करो। दूसरा काम यह है कि तुम वो रिज़्क़ खाओ, खुदा की रिज़्क़ खाना छोड़ दो अगर तुम गुनाह करना चाहते हो। तुम्हें अकल की रिज़्क़ दी है, अमन की रिज़्क़ दी है, सेहत सलामती की रिज़्क़ दी है, खाने पीने के अलावा इल्म दिए हैं, वो सब खाना छोड़ दो, इसके बाद तुम गुनाह करो। तीसरी चीज़ यह है कि जब तुझे कल जहन्नम में ले जाया जाएगा तो तुम अपने अंदर कुव्वत पैदा करो कि उनको रोक सको कि मैं जहन्नम में नहीं जाऊँगा, तब गुनाह करो। चौथी चीज़ यह है कि जब तुझे मरकुल मौत, तुझे मौत निकलने आए, मौत तेरे मौत निकालने आ जाए, तो उस वक्त उसे रोक दो कि मैं मरना नहीं चाहता। ये चार काम अगर तुम कर सको ना, तुम गुनाह करते रहोगे।